इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया और हमने एडिशन लॉज को स्टडी किया, जिनमें हमने क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन लॉज को स्टडी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन लॉज में भी हम क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉज, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिस तरीके से हमने क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन को स्टडी किया उसी तरीके से क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कि अगर हमारे पास दो नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करते हों और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करेगा। इन मैथमेटिकली फॉर्म, फॉर ऑल ए B belongs to set of real numbers, then A dot B also belongs to set of real numbers. A dot B usually इसको हम A B भी लिखते हैं कि कोई दो नंबर हैं A और B जो कि set of real numbers से belong करते हैं, उनको हम multiply करें तो उसका जो answer है वो भी set of real numbers से belong करेगा। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, टू एंड थ्री जो हैं ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री, इसका आंसर हमारे पास आएगा सिक्स, तो वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से। अगर ऐसा हो कि कोई दो नंबर हो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर से आए, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव लॉ उस वक्त यूज़ होता है जब हमने दो से ज़्यादा नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो। जब हमने दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो अमूमन हम मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद तीसरे को उससे मल्टीप्लाई कर लें। मैथमेटिकली फॉर्म में कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। कि हमारे पास कोई तीन नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स से, तो चाहे तो हम इन आखिरी दो जो नंबर्स हैं बी और सी इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसका जो रिजल्ट आए उसको फिर इस तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले हम इन दो नंबर्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद इनका जो रिजल्ट आए उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं टू थ्री एंड फोर जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, तो पहले
मैं इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 × 3, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, या पहले मैं इन पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूं, 2 × 3, और इसका जो रिजल्ट आए उसको आखिरी नंबर 4 से मल्टीप्लाई करूं। तो आप देखें कि पहले इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 विच इज 12 × 2, और इधर 3 × 2 6 × 4, 12 × 2 इज इक्वल टू 24 एंड 6 × 4 इज इक्वल टू आल्सो 24। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने पहले कौन से दो नंबर्स का ग्रुप बनाया, चाहे पहले दो का बनाए या आखिरी दो का बनाए और उसके बाद तीसरे को उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास उसका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी है कि कोई एक ऐसा नंबर हो जिसको हम एक रियल नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर वही रियल नंबर आए, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता हो तो उसके लिए कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर हम उस नंबर को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही रियल नंबर आता है। इन मैथमेटिकली फॉर्म, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट वन विच ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय वन इज इक्वल टू 1 × a विच इज इक्वल टू ए। सो वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कि अगर हम किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास वही रियल नंबर आएगा। जिस तरह एडिशन के केस में 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कि अगर हम उसको किसी रियल नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर वही रियल नंबर आता है, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है कि जिसको हम किसी भी रियल नंबर से ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही रियल नंबर आएगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कोई भी रियल नंबर जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता होगा तो उसके लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा कि अगर उस इनवर्स को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स विच ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए विच इज इक्वल टू 1। हर रियल नंबर के लिए हमारे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता होगा कि अगर हम उस नंबर को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। इस ए इनवर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/a। देन इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग करते हों और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो
चाहे हम उनको किसी भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर हमारे पास सेम आएगा। फॉल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर हम उनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। मिसाल के तौर पे 2 and 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन 2 multiplied by 3 इज इक्वल टू 3 multiplied by 2। ऑर्डर हमने रिवर्स किया तो हमारे पास आंसर इज 6, दोनों साइड पे 6। एडिशन लास्ट भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन लास्ट भी हो गए। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास है कि मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन लास्ट, कि जब मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों इकट्ठे आ जाएं, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन लास्ट, तो इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यह है कि जब हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है। इट इज फॉल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, कि दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और तीसरा उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम उन दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, देन प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, या ये इस तरीके से भी हो सकता है ए प्लस बी इंटू सी। तो इस सी को पहले हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन लॉज को देखा, उनमें सबसे पहले क्लोयर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लोयर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन के हमारे पास दो नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से दो नंबर्स का ग्रुप बनाएं, उसका जो आंसर आए उसको फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है 1, कि अगर उसको हम उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही रियल नंबर आएगा। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है इनवर्स, कि अगर हम उस नंबर को उस इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। देन इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो चाहे हम उनका ऑर्डर रिवर्स भी कर दें तो तब भी उनका रिजल्ट सेम आएगा। देन मल्टीप्लीकेशन एडिशन लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हों और तीसरे को उससे मल्टीप्लाई करना हो तो वो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा उस ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ का एक टेबल दिया गया है और साथ उनकी एग्जाम्पल भी दी गई हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जैसे कि पहले बता दी गई है कि अगर हम उनका ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो उनका रिजल्ट सेम आएगा, इसकी एग्जाम्पल। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि तीन नंबर्स को आपस में ऐड करना हो तो चाहे पहले कोई से भी दो का ग्रुप बना लें तो उसका रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो पहले कोई से भी दो का ग्रुप ना ले तो आंसर सेम आएगा। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी ये अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से, रियल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी हमारे पास ज़ीरो आता है। इनसे जो सात एग्जाम्पल्स दी गई हैं उनसे आपको ज़्यादा क्लियर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। इससे नेक्स्ट